बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज वसीम शबीर और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं करेक्ट यूज ऑफ यूज टू। हमने देखा है कि जो न्यूली इंग्लिश लर्नर्स हैं, जो अच्छी स्पीकिंग करना चाहते हैं, अपनी बोल चाल में डिफरेंट किस्म के वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, समटाइम्स उनका सामना वर्ड यूज टू से भी होता है, लेकिन उनको इसके कंप्लीट इस्तेमाल का नहीं पता कि उनको इस वर्ड को कहां यूज करना है और इनके क्या क्या इस्तेमालात हैं, क्या यूजेस हैं। इन सब एम्बिग्यूटीज को मैं अपने इस लेसन में क्लियर करूंगा और मैं और भी बहुत सारी ग्रामेटिकल वीडियोस देता रहूंगा। आप सब ने क्या करना है, सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यूज टू में सिंपल जो अगर हम मादी के फिक्रात की बात करें तो वही यानी कि टेंस वाला तरीका, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके पास अगर हम यूज करेंगे यूज टू, यही हमारा मेन है जो वर्ड है इस पे हमने बात करनी है इस पे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं कि इस तरह के फिक्रात इसमें जो मादी के में जो हम सेंटेंस बोलेंगे इस तरह के सेंटेंसेस यूज होंगे। जैसे मैं बचपन में पतंगे उड़ाया करता था, सपोज मैं इसी पे एक सेंटेंस लिख लेता हूं, आई यूज टू फ्लाई द काइट्स। In my childhood, आपने देखा कि इसमें हमने सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये आ गया, उसके बाद हमने यूज टू का डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमने यूज की है, उसके बाद आगे हमारा ऑब्जेक्ट है जो काइट्स आ गया और ये मादी में हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया है कि आई यूज टू फ्लाई द काइट्स इन माई चाइल्डहुड। इस पे हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मैं बचपन में अपना आंख मचोली खेला कर, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में डिफरेंट किस्म के प्लेसेस विजिट किया कर, आई यूज टू विजिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस इन माई अर्ली लाइफ। या मैं कहता हूं मैं बचपन में इस स्कूल में जाया करता था, आई यूज टू गो इन दैट स्कूल इन माई अर्ली लाइफ। इस तरह के बहुत सारे हम डेरो सेंटेंसेस में यूज टू का मादी को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अपना इसका इस्तेमाल है, सेकंड इसका जो यूज है उसमें हमने एक्चुअली बताना है किसी बंदे को किसी चीज की हैबिट होना, किसी चीज का आदी होना। जैसे मुझे किसी चीज की आदत है, मुझे अपना वॉक पे आई एम यूज टू गोइंग टू वॉक अर्ली मॉर्निंग, मेरी एक आदत है। आई एम यूज टू ऑफरिंग प्रेयर 5 times अ डे, मेरी एक आदत है। इन सेंटेंसेस में हमने आदत है जो उस पर हम बात करेंगे कि किसी कौन किस चीज का हैबिचुअल है, कि किसको किस चीज की आदत है, उसमें हम यूज टू को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस सब पे हम बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें हमने लिखा आई यूज टू फ्लाई द काइट्स इन माय चाइल्डहुड। हम इसको 3 ways में और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे I am not used to fly the kites in my childhood, मुझे अपने बचपन में पतंगे उड़ाने का शौक नहीं था। इसी तरह हम इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो इसकी सेकंड कैटेगरी है, उसमें यह है कि सबसे पहले तो हम इसके हेल्पिंग वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, सेकंड इसमें हमने प्रेजेंट में रहना है और पास्ट में भी जाना है, डिफरेंट किस्म के इराज में हम बात करेंगे, लेकिन इसमें ये बिल्कुल हम यानी कि जिक्र नहीं करेंगे मैं ये किया करता था वो किया करता था। इसमें हमने अपनी हैबिट बतानी है कि हमें किस चीज का हैबिचुअल है या कोई किस चीज का हैबिचुअल है, हम किस चीज को लेके इसमें जैसे इज एम आर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद एम आर ही जो भी, उसके बाद आ जाता है वाज और वर था थे विल बी हो गए हैव बीन चुके होंगे चुके थे एटसेट्रा। उसके बाद हमारा क्या आता है यूज टू, वही अपना यानी कि हम इसको फर्क, अब इधर एक फर्क आया है, इधर हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद यूज टू इस्तेमाल कर लिया, इधर सब्जेक्ट के बाद हम
इज एम आर वाज वर इनका हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कहीं भी विल भी आएगा वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा, और उसके बाद हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, यानी कि यहां जेरंड हम यूज कर रहे होंगे और प्लस ऑब्जेक्ट एडिंग, ये तो बिल्कुल सेम ही है। माना कि मैं इन वर्ड पे बात, इन हेल्पिंग वर्ड पे बात करता हूं, तो मैं कहूंगा शी इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, शी इज मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, शी इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। आई एम, अगर मैं अपने बारे मैंने ये लिखा शी इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलने का शौक है। अगर मैं अपने पे लूं, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। इसमें मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूं कि मुझे क्रिकेट खेलने की हैबिट है, मैं क्रिकेट खेलने का आदि हो चुका हूं। उन अगर हम प्लूरल मिले दे, मैं एक्चुअली इन सबको इस्तेमाल करके बता रहा हूं हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव पे बात करते हैं। अगर मैं कहना चाहूं तो उसको क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, शी इज नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, इज शी यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, इज शी नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, ये डिफरेंट वे है। अगर मैं अपने बारे में नेगेटिव में आई एम नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। थर्ड केस आ जाता है प्लूरल्स का, जिसमें हम देखें कि उनको क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, तो मैं कहूंगा दे आर नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं क्वेश्चन, क्या उनको क्रिकेट खेलने की आदत है, तो मैं पूछूंगा आर दे यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। तो इस वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कैटेगरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, वो है यूज ऑफ वर्ब्स एंड वर्ब, वाज एंड वर्ब। हम इसमें एक सेंटेंस बना के मैं आपको समझाता हूं, जैसे वाज पे असलम वाज नॉट यूज टू लिविंग इन दिस विलेज। क्या असलम, इसमें हमें असलम वाज नॉट यूज टू लिविंग इन दिस विलेज, असलम को इस गांव में रहने की आदत नहीं थी। अगर मैं सिंपल कहना चाहूं कि असलम को इस गांव में रहने की आदत है, तो मैं कहूंगा असलम इज यूज टू लिविंग इन दिस विलेज। अगर मैं उसे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में बात करना चाहूं, मैं पूछूंगा वाज असलम नॉट यूज टू लिविंग इन दिस विलेज, क्या असलम को इस गांव में रहने की आदत नहीं थी। इस तरह हम वाज को यूज करेंगे, वर को भी हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं दे वर, क्योंकि ज्यादा हो गए हैं प्लूरल में वाज की जगह वर। नेगेटिव इंटरोगेटिव हम बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया। विल बी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे मैं मानो मैं कहता हूं मुझे इस माहौल की आदत है, या मुझे इस माहौल की आदत हो जाएगी, आई विल बी यूज टू दिस एटमोस्फियर, मुझे लैपटॉप चलाने की आदत हो जाएगी, आई विल बी यूज टू दिस लैपटॉप। मैं कहता हूं कि मुझे इस कल्चर की आदत हो जाएगी, आई विल बी यूज टू दिस कल्चर। इधर मैं लिखता हूं आई विल बी यूज टू दिस कल्चर। हम इसको थ्री वे में कर, आई विल नॉट बी यूज टू, आई विल नॉट बी यूज टू दिस कल्चर, आर विल आई यूज
टू बी दिस कल्चर, विल आई बी यूज टू दिस कल्चर, हम इसको डिफरेंट वेज में इंटरोगेटिव में नेगेटिव में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनका हम यूज करने जा रहे हैं यूज टू के साथ, वो है हैव बीन एंड हैव बीन। जैसे कि मैं कहता हूं मुझे इसकी बकवास स्टोरी सुनने की आदत हो चुकी है, चलिए सपोज इसी पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव यूज टू लिसनिंग हर नॉन सेंस स्टोरीज। एक बात याद रखनी है कि इन सेंटेंसेस में जो सेकंड सेट है, हम आदत की ही बात करें, किसी को किसी चीज का आदि होना, हैबिचुअल होना, जैसे ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग, उसे शराब नोशी की आदत है, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, यानी कि आपको मैं सेंस एक दिया, उनमें हम तो फिर डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। अब मैंने इस पर बात की, आई हैव बीन यूज्ड टू लिसनिंग हर नॉनसेंस स्टोरीज, इसको हम और भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई हैव नॉट बीन यूज्ड टू लिसनिंग टू हर नॉनसेंस स्टोरीज, हैव आई बीन यूज्ड टू लिसनिंग टू हर नॉनसेंस स्टोरीज, हैव आई नॉट बीन यूज्ड टू लिसनिंग टू हर नॉनसेंस स्टोरीज। तो ये डिफरेंट वेज में हम इसको इस्तेमाल ऐसे करेंगे। हमारा जो लास्ट पे है वो है हैड बीन। मैं कहता हूं कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, मैं इस मार्कर को इस्तेमाल करने का आदि हो चुका था, इस मार्कर के साथ लिखने का आदि हो चुका था, जैसे आई हैव बीन, आई हैव बीन यूज टू राइटिंग विद दिस मार्कर आफ्टर 5 ईयर्स। मैंने बात की कि 5 साल बाद मैं इस मार्कर्स के साथ लिखने का आदि हो चुका था, उसका मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसको भी हम इस तरह इंटरोगेट, हैड आई नॉट बीन यूज्ड टू राइटिंग विद दिस मार्कर आफ्टर 5 ईयर्स, या मैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव दोनों में पूछा, हैड आई नॉट बीन, वो मैंने पूछ ली, हैड आई बीन यूज्ड टू राइटिंग विद दिस मार्कर आफ्टर 5 ईयर्स। तो हमने इन सब सेंटेंसेस को, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करते हुए समझाया कि हम यूज टू को अपनी लाइफ में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है वो सब वेज जिनके जरिए हम यूज टू को इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर वी आर इन द पास्ट, आइदर वी आर इन द प्रेजेंट, आर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, एवरीवेयर वी कैन यूज टू इन डिफरेंट वेज, प्रॉपरली करेक्टली फॉलोइंग द ग्रामर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसको एंड तक जरूर देखिएगा और आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। आपने क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं आपको न्यू अपकमिंग और लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस भेजता रहूंगा। आप सब ने मुझे सपोर्ट करनी है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक न्यू एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो।